तबादला हो गया है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दे रहे हैं कि रांची के सिटी एसपी सहित 9 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हो गया है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और वाईएस रमेश जो कि गोड्डा एसपी थे को स्थानांतरित करते हुए अब राज्यपाल के परिसहाय पुलिस झारखंड के रांची के पद पर भेजा गया है। वहीं अंशुमान कुमार जो कि जैप में थे जमशेदपुर में, अब उनको रांची का सिटी एसपी बनाया गया है। आशुतोष शेखर जो कि एसपी खूंटी थे उनका ट्रांसफर करते हुए उनको एसपी पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा बनाया गया है। अमन कुमार जो कि राज्यपाल के परिसहाय झारखंड में थे उनको ट्रांसफर करते हुए उनको एसपी खूंटी बनाया गया है। सुभाष चंद्र जाट जो कि सिटी एसपी जमशेदपुर थे उनको एसपी देवघर बनाया गया है, जबकि आर राम कुमार एसपी सिटी धनबाद थे उनको एसपी लोहरदगा बनाया गया है। सौरभ जो कि रांची के सिटी एसपी थे उनका ट्रांसफर एसपी सिमडेगा कर दिया गया है, और नाथू सिंह मीना जो कि एसपी जमशेदपुर ग्रामीण थे उनका ट्रांसफर करते हुए उनको एसपी गोड्डा बनाया गया है। मनोज स्वर्गियारी जो कि असिस्टेंट एसपी एएसपी लॉ एंड ऑर्डर धनबाद थे उनका ट्रांसफर करते हुए उनको एसपी जामताड़ा बना दिया गया है। और ऐसे अधिकारी जैसे सिमडेगा एसपी शम्स तबरेज, जैसे लोहरदगा एसपी प्रियंका मीणा, ऐसे अधिकारी ये पुलिस मुख्यालय में अब अपना सहयोग देंगे, जिनका तबादला अभी नहीं किया गया, जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है उनको कहा गया कि आप लोग भैया अब पुलिस मुख्यालय में आकर के योगदान दीजिए। तो रांची के सिटी एसपी सौरभ सिमडेगा के एसपी होंगे। इसके अलावा वाईएस रमेश इनको राज्यपाल की सिक्योरिटी में डाला गया है। अंशुमान कुमार रांची के सिटी एसपी होंगे। आशुतोष शेखर जो कि खूंटी एसपी थे अब एसपी पश्चिमी सिंहभूम होंगे। अमन कुमार जो कि राज्यपाल की सिक्योरिटी में था अब एसपी खूंटी होंगे। सुभाष चंद्र जाट सिटी एसपी थे जमशेदपुर के अब देवघर के एसपी होंगे। आर राम कुमार धनबाद के सिटी एसपी थे अब लोहरदगा के एसपी होंगे। इसके अलावा नाथू सिंह मीना जो कि एसपी ग्रामीण जमशेदपुर थे अब गोड्डा के एसपी होंगे, और मनोज स्वर्गियारी अब एसपी होंगे जामताड़ा के जो कि लॉ एंड ऑर्डर के एएसपी थे धनबाद में, उनको भेज दिया गया है जामताड़ा। और बाकी अधिकारी मुख्यालय में अपना योगदान देंगे, जिनकी कोई ट्रांसफर पोस्टिंग इसमें नहीं आई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।